मैं हूं डॉक्टर मृणालिनी मनोज और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, इनफर्टिलिटी एंड इट्स टाइप्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार कही है कि जब भी कोई दंपत्ति किसी भी प्रकार के गर्भनिरोधकों का वापर किए बगैर एक साल या उससे ज़्यादा वक्त से गर्भधारणा होने की कोशिश कर रहा है परंतु उसको गर्भधारणा नहीं हो रही है, तब उस दंपत्ति को वंध्यत्व नामक प्रजनन प्रणाली का व्याधि है ऐसा संबोधना चाहिए। जी हाँ, आप ये बात जानकर आश्चर्यचकित होंगे, किंतु हम हॉस्पिटल में कई बार ऐसे पेशेंट्स देखते हैं जिनकी शादी को हार्डली 3 महीने 4 महीने 6 महीने हुए हैं और वो हॉस्पिटल आ जाते हैं इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने के लिए। लेकिन इस बात पे ध्यान देना ज़रूरी है कि WHO ने भी कहा है एक साल या उससे ज़्यादा वक्त से बिना किसी गर्भनिरोधकों सामान का वापर किए बगैर अगर गर्भधारणा नहीं हो रही है तब और तब आप इनफर्टाइल कपल्स में आते हैं। गर्भधारणा ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे अपना वक्त देना उतना ही आवश्यक होता है। आइए उसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। WHO ने उसके दो प्रकार कहे हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी पे देखते चर्चा करते। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में 3 प्रकार के दंपतियों का समावेश किया जाता है। ऐसे दंपत्ति जिनको कभी प्रेगनेंसी रही ही नहीं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी इनफर्टाइल कपल। ऐसे दंपत्ति जिनको प्रेगनेंसी रहती है नेचुरली कंसीव करते हैं किंतु दूसरे तीसरे चौथे महीने में उनका वारंवार गर्भपात हो जाता है किसी कारणवश, तो उसे भी कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। ऐसे दंपत्ति जिनको प्रेगनेंसी कंसीव होती है नेचुरली 7वें 8वें 8.5 9 महीने तक अच्छे से प्रेगनेंसी चलती है लेकिन एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी स्टिल बर्थ यानि बच्चा मरा हुआ पैदा होता है किसी कारणवश, तो उसी इन तीनों प्रकार के कपल्स को प्राइमरी इनफर्टाइल कपल कहा जाता है। ऐसे कपल्स में उनके पास एक भी जीवित बच्चा नहीं होता है। आइए चर्चा करते हैं दूसरे प्रकार पे, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। कई दंपत्ति ऐसे होते हैं उनका पहली प्रेगनेंसी नेचुरली वो कंसीव करते हैं, पहला बच्चा उनका बहुत अच्छे से जन्म लेता है और वो स्वस्थ है। अभी उसकी उम्र 2-3.5 साल 4 साल हो गई है और अब वो दंपत्ति अपना दूसरा बच्चा चाहते हैं लेकिन उनको दूसरा बच्चा ठहरने में प्रेगनेंसी रहने में अभी दिक्कतें आ रही है, तो ऐसे कपल को कहेंगे सेकेंडरी इनफर्टाइल कपल। कई बार दूसरी प्रेगनेंसी रहने में दिक्कत तो नहीं आती लेकिन वारंवार, जैसे मैंने पहले कहा, वारंवार गर्भपात हो जाता है दूसरी प्रेगनेंसी में, ऐसे भी कपल आते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में। और दूसरा बच्चा मरा हुआ पैदा होना स्टिल बर्थ, उसे भी कहा जाता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।